टैगिंग अबाउट डी रैम, व्हाट इज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो यह रैम का एक प्रकार होता है, ये तो आपको पता ही है। मैंने रैम के ऊपर पूरा वीडियो बनाया और मेमोरी के ऊपर भी पूरा वीडियो, जिसमें हमने रैम, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रोम सारा कवर किया। अगर आपने वीडियो ना देखा हो, बेसिक से मैंने पढ़ाया, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा यार, वो वीडियो आपके लिए ही है, ठीक है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे ना, तो आई एम 100% श्योर आप IT टूल्स के ओ लेवल में, अगर मेमोरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप पूरा लिख करके आएंगे, 5 नंबर पूरे मिलेंगे आपको। मैंने पूरा कवर किया है कैसे क्या लिखना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। अब हम आते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टाइम बर्बाद ना करें, सीधे आते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह रैम का एक प्रकार होती है जो आजकल पर्सनल कंप्यूटर में ज़्यादातर यूज होती है। क्या है यह रैम का एक प्रकार हो गई, पर्सनल कंप्यूटर में ज़्यादा यूज हो गई, फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गई। जल्दी जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता किस होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को, ये क्वेश्चन हो गया। इसकी जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी गति कैसी होती है, कम होती है, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। मैंने इसके सारे क्वेश्चन भी कवर कर दिए, पूरी डी रैम भी पढ़ा दी, इसके टाइप अप भी देख लेते हैं। सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SD रैम का मतलब हो गया सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DDR2 SD रैम का हो गया डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DDR3 का मतलब हो गया सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी 3, ठीक है। इसमें DDR2 है तो आप लिख देंगे डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी 2। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कोई पैसे नहीं कटते हैं।